हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग ओवरऑल। माय सेल्फ परमेश्वर सिंह। क्लास, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट नेटवर्क कनेक्टर्स, मींस नेटवर्किंग में यूज होने वाले विभिन्न प्रकार के कनेक्टर्स के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। कनेक्टर किस प्रकार का यूज होगा यह निर्भर करता है कि आप केबल किस प्रकार का यूज करते हैं। नेटवर्किंग में कई प्रकार के केबल का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। सी फर्स्ट कनेक्टर, RJ45 कनेक्टर। यह नेटवर्किंग में यूज होने वाला मोस्ट कॉमन कनेक्टर है। इसमें 8 पिन होते हैं और इसका यूज लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स और नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। RJ45 कनेक्टर का यूज UTP केबल्स के साथ किया जाता है। ये देखिए UTP केबल है। UTP केबल में 8 वायर्स होते हैं और इन वायर्स को एक विभिन्न प्रकार के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, फिर उसे RJ45 कनेक्टर में इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर क्रिम्पर के द्वारा उसे क्रिम्प कर दिया जाता है। RJ45 कनेक्टर अपने स्थान पर एक सिंगल लॉकिंग टैप के द्वारा लॉक होता है। यह देखिए आपको दिख रहा होगा, ये इसका सिंगल लॉकिंग टैप है। नेक्स्ट, UTP कपलर। यह नेटवर्क केबल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। वास्तव में यह एक प्रकार का कनेक्टर है जो कि दो RJ45 कनेक्टर्स को आपस में जोड़ता है। जब हमारा केबल्स दो भाग में सेपरेट है, यानी ब्रेक हुआ हुआ है, टूटा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हम केबल लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए इस कपलर का यूज़ करते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, यह STP केबल का डायग्राम है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फॉइल सीड लगी होती है, इसलिए इसको STP केबल कहते हैं। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम होता है। सी नेक्स्ट, RJ48 कनेक्टर। यह लगभग RJ45 की तरह ही होता है और इसका यूज STP केबल के साथ किया जाता है। STP केबल में एक्स्ट्रा फॉइल सीड लगी होती है जो कि वायर्स को कवर करती है। RJ45 का यूज T1 लाइन के साथ किया जाता है। T1 लाइन एक विशेष प्रकार की कम्युनिकेशन लाइन होती है जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करती है डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट, RJ11 कनेक्टर। यह 4 पिन का कनेक्टर होता है। इसका मुख्यतः यूज टेलीफोनिक इक्विपमेंट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट करता है, बट इसके लिए आपको कंप्यूटर मॉडेम का यूज करना होता है और यह अपने स्थान पर सिंगल लॉकिंग टैब जैसे कि RJ45 में होता है उसी तरह से लॉक होता है। यह RJ45 से थोड़ा छोटा होता है। कोएक्सियल केबल। यह एक विशेष प्रकार केबल होता है। ओके, देखिए यहाँ पे इसका आउटसाइड इंसुलेशन है, एक कवर लगा हुआ है, फिर इसमें कॉपर की मेस लगी हुई है और इनसाइड इंसुलेशन है, इसके बाद कॉपर वायर होता है। नेक्स्ट, BNC कनेक्टर। BNC कनेक्टर RF टाइप का कनेक्टर होता है जिसका प्रयोग कोएक्सियल केबल पर किया जाता है। BNC का फुल फॉर्म होता है बायोनेट नील कौंसिलमैन। यहाँ पर नील कौंसिलमैन दो व्यक्तियों का नाम है जिन्होंने BNC को डिजाइन किया था। कोएक्सियल केबल का प्रयोग एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है और IDO का भी। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ BNC कनेक्टर। यहाँ पे कई प्रकार के BNC कनेक्टर होते हैं, जैसे BNC T, BNC टर्मिनेटर, BNC कपलर। सी BNC T कनेक्टर, यह जो है कि 3 कोएक्सियल केबल्स को आपस में ऐड करता है। ओके, BNC कपलर, यह जो है कि 2 कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करता है।
बीएनसी टर्मिनेटर या केबल्स के इंड में लगाने के लिए होता है। ओके, तो इसे कहते हैं बीएनसी टर्मिनेटर। एफ टाइप कनेक्टर, यह थ्रेडेड कनेक्टर होता है और इसका यूज कोएक्सियल केबल पर होता है। थ्रेडेड मीन्स इसमें इस तरह की रिंग्स होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, जिससे हम इसको केबल मॉडेम में आसानी से उसको हम टाइट कर सकते हैं। ओके, और इसका ज़्यादातर यूज़ केबल प्रोवाइडर करते हैं, जिससे कि इसको केबल मॉडेम से केबल को कनेक्ट कर सकें। और इसका यूज़ सैटेलाइट इंटरनेट में भी होता है। आपके घर पर यदि केबल कनेक्शन आया होगा तो आपने देखा होगा इस प्रकार कनेक्टर, ये आपके केबल जो आपका मॉडेम होता है उसमें कनेक्ट करने के लिए होता है। इसमें देखिए चूड़िया बनी होती है, इससे इसको लगा करके आप उसमें टाइट कर सकते हैं। सी नेक्स्ट, यूएसबी कनेक्टर, ये बहुत ही कॉमन टाइप का डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए कनेक्टर है, और क्योंकि इसके नाम में ही यूनिवर्सल है तो इसका जो यूज है वो डिफरेंट पर्पस के लिए है। मैनी मैन्युफैक्चरर्स मेक्स मैनी यूएसबी वायरलेस अडाप्टर्स दैट कैन बी प्लग्ड इनटू यूएसबी पोर्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कई जो मैन्युफैक्चरर हैं वह वायरलेस अडाप्टर बना रहे हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं यूएसबी यूजेस के, यूएसबी वाईफाई अडाप्टर। ओके, यदि आपका सिस्टम डेस्कटॉप टाइप का है तो उसमें हमें वाईफाई यूज़ करने के लिए इस तरह के वाईफाई अडाप्टर का यूज़ करना होता है। और देखिए यूएसबी ईथर अडाप्टर, यहाँ देखिए यूएसबी बना हुआ है और इसमें हम RJ45 को इंसर्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आपका जो लैपटॉप होगा या फिर सिस्टम होगा वह वाईफाई से सॉरी ईथरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स, आप जानते हैं कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है उसमें लाइट पल्सेस का यूज होता है डेटा को सेंड और रिसीव करने में। तो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के कनेक्टर हैं उनकी मतलब उनका जो डिफरेंस है वो साइज या फिर उनके कपलिंग की जो मेथड है उसके अनुसार वो अलग अलग हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक जो है कि फाइबर ऑप्टिक केबल है, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल है। देखिए यहाँ पर लगा आउटर शीथ एंड स्टील वायर स्ट्रेंथ मेंबर लगा हुआ है, इसके बाद PSB आर्मोरड लगा हुआ है एंड वायर ब्लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है, सॉरी वाटर ब्लॉकिंग सिस्टम। ओके, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल को सी यानी समुद्र के अंदर भी लगाया जाता है, इसलिए इसमें तो वाटर ब्लॉकिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, लूज ट्यूब लगा हुआ है, इसके बाद आपका ऑप्टिकल फाइबर है। ओके, जो कि सिलिकॉन का बना होता है और इसमें लाइट का ट्रांसमिशन होता है। तो इसका देखिए पहला कनेक्टर SC कनेक्टर, यह एक फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर है और इसे स्टैंडर्ड कनेक्टर या फिर स्क्वायर कनेक्टर भी कहते हैं। इसमें जो है कि पुश पुल कनेक्टर होता है, यानी इसको आप एक बार प्रेस करके लगाएंगे और दोबारा प्रेस करेंगे तो निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से पुश पुल प्रकार का होता है और ये जैसे कि आपका ऑडियो वीडियो प्लग होता है। इसका ज़्यादातर यूज़ बिल्डिंग्स के विभिन्न फ्लोर्स के बीच में यूज़ किया जाता है। MTRG कनेक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है मैकेनिकल ट्रांसफर रजिस्टर जैक, और इसमें भी पुश पुल की सिस्टम होता है जैसे कि आपका ऑडियो वीडियो प्लग्स में होता है। इसमें स्मॉल फॉर्म फैक्टर होता है जिसका हाई पैक्ड डेंसिटी में यूज होता है। इसका इसको डिजाइन किया गया था SC कनेक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए। MTRJ में टू फाइबर्स को सिंगल डिजाइन में हम कनेक्ट कर सकते हैं और इट रिसेंबल्स द RJ45, मीन्स यह RJ45 की तरह दिखता है। दिस कनेक्टर इज कॉमनली इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन फाइबर नेटवर्क टूडेज, और जो है कि यह फाइबर नेटवर्किंग में यह एक फेमस कनेक्टर है। सी नेक्स्ट, LC कनेक्टर, LC मीन्स लोकल कनेक्टर या फिर लूसेंट कनेक्टर,
और इसको जो डेवलप किया था उसका नाम था लुसेंट, ओके, तो इसे लुसेंट कनेक्टर भी कहते हैं। और इसका भी यह भी एक प्रकार कनेक्टर है जिसका यूज़ विभिन्न बिल्डिंग के फ्लोर्स के बीच में यूज़ किया जाता है, और इसको डिज़ाइन किया गया था SC कनेक्टर के साथ कम्पीट करने के लिए, मीन्स उसको रिप्लेस करने के लिए। देखिए ये LC कनेक्टर है, इसकी जो साइज है वो SC कनेक्टर से हाफ है, और जो कि इसको यूजफुल बनाता है, जिसमें आप ऐसा रैक है जो कि बहुत अधिक उसमें केबल लगे हुए हैं या फिर पैनल है जिसमें बहुत अधिक केबल लगे हुए हैं, तो ऐसे में ये बहुत जो कि साइज में पतला होता है, तो इसको आप आसानी से ज़्यादा संख्या में इस प्रकार के केबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी सिंगल लॉकिंग सिस्टम होता है जैसे कि RG45 में होता है। नेक्स्ट ST कनेक्टर, यह स्ट्रेट टिप कनेक्टर है और फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर जिसमें हाफ ट्विस्ट बायोनेट टाइप का लॉक होता है, मतलब इसको इसका इसको देखिए इसको आप घुमा करके इसको जो किसी भी जो है कि फीमेल जैक में आप इसको टाइट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ओके, इसको हाफ घुमा सकते हैं, ओके, फुल नहीं, थोड़ा घुमा सकते हैं, ओके। इट इज़ कॉमनली यूज विथ सिंगल मोड फाइबर, ओके, सिंगल मोड फाइबर केबल के साथ यूज होता है, और दिस इज अ लार्ज साइज कनेक्टर दैट डेवलप बाई AT&T, AT&T कंपनी है जिसके द्वारा इसे डेवलप किया गया था, क्योंकि इसकी जो साइज है वो बहुत ही बड़ी है, इसकी वजह से इसको यूज में नहीं किया जाता है, बल्कि इसके स्थान पर LC और MTRG कनेक्टर्स आ गए हैं जो कि इससे साइज में बहुत ही पतले हैं। सी नेक्स्ट, फाइबर कपलर, जैसे कि UTP कपलर होता है उसी तरह से फाइबर कपलर होते हैं। यदि आप दो फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फाइबर कपलर का यूज़ करना होता है, ओके, और इसमें जो कनेक्टर होते हैं वो दोनों कनेक्टर को सेम टाइप का होना चाहिए, ओके। एक होता है फाइबर एडाप्टर, तो इसके फाइबर एडाप्टर के साथ आप कन्फ्यूज ना होइए, क्योंकि फाइबर एडाप्टर जो होता है वह डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स को आपस में जोड़ता है, ओके, जबकि फाइबर कपलर जो होता है वह सेम टाइप के केबल को कनेक्ट करता है। UPC वर्सेस APC, जब हम दो कनेक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं तो उनको उनका जो एंड फेसेस होता है वह किस प्रकार का होता है, इसे ही कहते हैं UPC एंड APC, ओके। एंड फेसेस आर टिप्स ऑन फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स, एज एग्जांपल वी गोइंग टू यूज अ ग्रुप ऑफ SC फाइबर कनेक्टर, ओके, हम यहाँ पे एग्जांपल तौर पे SC फाइबर कनेक्टर को समझ रहे हैं, जिनको हम कनेक्टर इक्विप्ड विथ UPC एंड APC इन फेसेस, यानी जिसका जो एंड है वह जो है कि UPC प्रकार का हम देखने वाले हैं और APC प्रकार का, ओके। नाउ वी वांट टू फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर मेक कनेक्शन टू ईच अदर, और फिर हमें उसे आपस में जुड़ना है, एंड द पॉइंट ऑन विच द कनेक्शन मेड, और जब कनेक्शन को उनको कनेक्ट किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा इनपरफेक्शन होता है, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो फ्लैट सरफेस की वजह से। देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखिए, तो यदि जो कि UPC टाइप का है, मींस अगर उसका जो सरफेस है वो फ्लैट है, तो यहाँ पर एक से दूसरे में जब ट्रांसफ़र होता है तो लाइट का रिफ्लेक्शन सीधे बैक जो लाइट का सोर्स है उसी के दिशा में होने लगता है, उसके विपरीत दिशा में लगता है, तो इससे जो है कि डेटा लॉस होने की संभावना रहती है। जबकि यहाँ पर APC में देखिए, तो यहाँ पर जो उसका फेस है वो एंगल्ड है, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है वह जो है कि केबल के वॉल पर हो जाता है, तो यहाँ पर यह डिफरेंस है। इट हैपन्स एट द पॉइंट व्हेन द कनेक्शन कनेक्ट्स, यानी यह कब होता है, जब दो कनेक्शन जो है कि आपस में जुड़े जाते हैं, मतलब सॉरी, दो कनेक्टर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जब लाइट जो है कि एक सोर्स से, एक केबल से दूसरे केबल जब ट्रांसफ़र होती है, तो उस समय लाइट जो है कि रिफ्लेक्ट बैक होती है अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स द लाइट सोर्स, ओके, लाइट सोर्स यानी जहाँ से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ओके,
एंड व्हेन दिस हैपन देयर इज यूपीसी कनेक्टर. तो इसका मतलब है यहाँ पे आप यूपीसी कनेक्टर यूज कर रहे हैं, मतलब यूपीसी कनेक्टर में जो लाइट है वह बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में यूज होती है, सॉरी रिफ्लेक्ट बैक होती है. ओके सो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है कि प्रोग्रेस पर आई और एक नया कनेक्टर डेवलप हुआ, उसका नाम था एपीसी कनेक्टर. ओके तो एपीसी और यूपीसी में मेन डिफरेंस यह है कि जो एपीसी है उसमें एंगल फेस होता है और उसकी वजह से जब हम कनेक्शन को करते हैं तो एपीसी में क्योंकि वो एंगल होता है इसलिए लाइट जो है कि सीधे रिफ्लेक्ट बैक ना होकर के लाइट सोर्स की तरफ बल्कि वह केबल के वॉल पर होती है जिससे सिग्नल की जो लॉस होता है वो कम होता है. ओके सो क्लास इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गई है. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. यदि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें. थैंक यू.